YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पप्पू कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 20 में। मेरे साथ है अजय कुमार प्रजापति। आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या समस्या है इनके वार्ड में है। पहले आपका सिटी न्यूज में का स्वागत जी। मेरे वार्ड में बहुत तरह का समस्याएँ हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में है कि वृद्धा पेंशन। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है, ठीक है। हमारे पास आते हैं अपनी समस्या को लेके, और उन लोग ही ने हमको प्रेरणा दिया कि ऐसा है कि जब नहीं काम हो रहा है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। और हम आज करीब 8 से 10 वर्ष से सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं और झारखंड विकास मोर्चा का नगर सचिव भी रह चुके हैं, ठीक ना। तो उन्हीं के प्रयासरत थे हम जो है से आज इलेक्शन में खड़ा हुए हैं। सारे लोगों ने मिलकर हमको उठाया, और अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे प्राथमिकता रहेगा कि सारे लोगों का, जिन जिन लोगों का छूटा हुआ है उन लोगों का वृद्धा पेंशन हम बनाएंगे। और उसके बाद समस्या है इंदिरा आवास का, वैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया योजना जिनको पहुंचना चाहिए था। कहाँ कहाँ दौरा कर रहे हैं, क्या क्या समस्या पा रहे हैं? हम दौरा नदी किनारे, वर्मा चौक, बेलवाटिका, ठीक ना, ये सारे जगह दौरा कर रहे हैं। लगभग जगह में हमारे पास समस्या नाली का आ रहा है कि मेरा नाली जाम रहता है, साफ सफाई नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद हमको अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है, हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, इस तरह का समस्या आ रही है 20 नंबर वार्ड से। ये भी समस्या आ रही है कि कॉलोनी के नाम पर बहुत सा पैसा लिया है, क्या मतलब ऐसा समस्या बता नहीं रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। पब्लिक अगर पैसा दिया है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, घूस का कोई ये नहीं रहता है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा हुआ होगा, इसीलिए जिनको मिलना चाहिए था उनके पास नहीं गया है। क्या लगता है कि पिछले बार जो वार्ड पार्षद थे तो सही काम नहीं किए थे, इसी कारण मतलब आपको भी कहीं कहीं घूम रहे हैं तो झेलना पड़ रहा है समस्या को लेकर? देखिए, बात तो सही है कि पिछले वार्ड कमीशनर जो रहे वो काम सही ढंग से तो नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा समस्या हो रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादातर उनका प्रयास रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि काम नहीं कर पाए, ज़्यादातर प्रयास उनका रहा है, लेकिन बहुत जगह वो छूट चुके हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या करिएगा? सबसे पहले क्या यहाँ का समस्या, मूल समस्या क्या है? यहाँ का मूल समस्या है नाली। नाली हमेशा जाम रहता है, हर जगह, हर बेलवाटिका, वर्मा चौक, नदी किनारे, ये समस्या ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। तो मेरा प्राथमिकता यही रहेगा कि मैं कम से कम हफ्ता में, ठीक ना, हर एक एरिया में ये काम को सुचारू रूप से करते रहूँ। ये बताइए कि घूम रहे हैं तो जैसे लाइट का, रोड का भी समस्या आप देख रहे होंगे? हाँ, रोड का भी समस्या है, रोड बना है, कुछ रोड नहीं बना है, लाइट है, सब जगह लाइट तो लगी हुई है, LED लाइट अभी स्कीम चली हुई थी तो हर जगह लगी हुई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर अभी भी बाकी है जिसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम जीतते हैं तो उसको पहले करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील है कि सही और साफ सुथरा आदमी को चुने और उसको नगर पालिका भेजे, ठीक ना, आपका सारा काम होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन सही आदमी का चुनाव कीजिए।